ठीक है, तो यहां तक हमने साइनअप फॉर्म अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है, वैलिडेशन कंट्रोल्स वगैरह सारे इसके ऊपर लगा लिए, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, हमने अपना ये जो डेटा है, ठीक है, सारी फील्ड्स का, ये कहाँ पे फिल करना है, हम अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले आ जाता हूं मैं अपने डेटाबेस में, यहाँ व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, और ये हमने अपना डेटाबेस बनाया था, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक टेबल था जो हमने लॉगिन के लिए बनाया था, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे दूसरा बनाना है साइनअप के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल के फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एड न्यू टेबल, ठीक है, न्यू टेबल आ गया। इस टेबल का नाम मैं यहाँ नीचे क्यूरी से टेबल का नाम हम चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं कह देता हूँ साइनअप, ठीक है। साइनअप मेरे टेबल का नाम होगा और ये जो पहला आईडी कॉलम है, ठीक है, इस आईडी कॉलम को मैं यहाँ पे देता हूँ आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट ये होना चाहिए, सही है। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमारा ये डिजाइनर लोड हो जाए तो डिजाइनर से भी हम काम कर लेंगे, ठीक है। डिजाइनर लोड हो गया, यहाँ पे अब सबसे पहले देखो ये जो हमारा सारा डेटा है ना, मतलब ये चाहिए, ठीक है। तो आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, सही है, और यहाँ पे अब आ जाते हैं, इसको कहते हैं एफ नेम, ठीक है, और एफ नेम हमारे पास होगा ये वॉरचार, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है, और फिर इसको नॉट नल कर देते हैं और यहाँ पे अब आएगा एल नेम लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे ये भी होगा वॉरचार, ठीक है, इसको भी नॉट नल कर देते हैं, और फिर इसके बाद था हमारे पास जेंडर ईमेल एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे है जेंडर, ये भी होगा वॉरचार, ठीक है, और फिर यहाँ पे ईमेल, ठीक है, ईमेल भी होगी हमारे पास वॉरचार, ठीक है, और फिर एड्रेस, ठीक है, एड्रेस भी होगा हमारे पास वॉरचार, ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं फिर यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। अब देखो कंफर्म पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, सही ना, सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम और एक सेकेंड, यूजर नेम की डेटा टाइप होगी वॉरचार, ठीक है, और इन दी एंड आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड भी होगा वॉरचार, सही है, क्योंकि इसके अंदर भी हम अल्फा न्यूमेरिक या कैरेक्टर्स सारे डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ ये, ठीक है। तो आईडी, एफ नेम, जेंडर, ईमेल, एड्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे था सारा हमने बना लिया, ठीक है। इस टेबल का हमने नाम भी दे दिया था तो मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो अपडेट हो गई, ठीक है। अपडेट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, सही है, ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये सर्किल नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, अब हो गया अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब इसको क्लोज कर दो, ठीक है, और अब यहाँ पे जो हमारा टेबल्स का फोल्डर था इसे अगर हम रिफ्रेश करें तो हमारे पास देखो साइनअप का आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और शो टेबल डेटा, सही है, मतलब इसका जो डेटा है वो अभी सारा बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि सारा डेटा हम फिल कहां से करवाएंगे, साइनअप के फॉर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो ये जो बटन है, ठीक है, इस बटन के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है, इंसर्ट का सारा काम इस बटन के ऊपर करना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो इसका हमारा इवेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ नेम स्पेस हम ऐड करते हैं, ठीक है, यूजिंग एक होता है हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है, और इसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, सही है, और वेब कॉन्फ़िग में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली थी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था, DBCS2, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग सेम रहेगी क्योंकि एक ही डेटाबेस के अंदर दोनों टेबल्स हैं, सही है। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा CS फाइल में और अब मैं एक कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग CS और इसके अंदर
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की क्लास आएगी, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था DBCS2, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है। तो ये हमारे CS के वेरिएबल में गेट हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल SQL कनेक्शन, ठीक है, इसका वेरिएबल बनाते हैं कौन इज इक्वल टू न्यू और दोबारा SQL कनेक्शन, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हमारा CS कनेक्शन स्ट्रिंग वाला वेरिएबल। और अब मैं आता हूँ क्यूरी लिखता हूँ मैं अपनी, ठीक है, स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें क्यूरी लिखता हूँ और क्यूरी कहता हूँ इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम था साइन अप फिर वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज दूंगा मैं पैरामीटर्स की फॉर्म में, आईडी चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट है वो मैं नहीं दूंगा, पहला आ जाएगा एफ नेम, फिर आ जाएगा एल नेम, ठीक है, फिर आ जाएगा जेंडर, फिर आ जाएगा ईमेल, ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास एड्रेस, फिर आ जाएगा हमारे पास यूजर नेम, और लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है, सही है। एफ नेम, एल नेम, जेंडर, एड्रेस, यूजर नेम, एक दफा चेक कर लेते हैं, जेंडर, ईमेल, एड्रेस, ठीक है, सारी चीजें यहां पे आ गई, ठीक है। तो अब मैं आता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल ये क्यूरी मैंने लिख ली, अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाऊंगा SQL कमांड का, SQL कमांड, ठीक है, CMD इज इक्वल टू न्यू और यहां पे दोबारा SQL कमांड, और इसके अंदर मैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में देता हूं अपनी क्यूरी वाला वेरिएबल और फिर कौन, ठीक है, कनेक्शन वाला वेरिएबल। तो अब जो पैरामीटर्स थे वो हमने प्रोवाइड करने हैं, जो क्यूरी के अंदर पैरामीटर्स हैं, सीएमडी डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और इसके अंदर पहला पैरामीटर था हमारे पास एफ नेम, ठीक है, और वो आएगा हमारे पास, हमने नाम रखा था फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है। अब इसी तरह इसको मुझे कॉपी करना है, अच्छा इसका टी कैपिटल है इस तरह से, ठीक है, अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट करते हैं, और दूसरा था हमारे पास एल नेम, और ये आएगा हमारे पास लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह नीचे आते हैं, फिर उसके बाद था जेंडर। अब देखो जेंडर हमारे पास क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम, ठीक है, हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम था ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम और उसके अंदर डॉट वैल्यू, सही है, इस तरह से, ठीक है। फिर जेंडर के बाद हमारे पास ईमेल है, सही है, और ईमेल के अंदर डेटा आएगा हमारे पास, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स था ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है, और इसी तरह एड्रेस है, ठीक है, तो यहां पे हम इसको कह देते हैं एड्रेस, ठीक है, और इसके बाद ये था एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एड्रेस के बाद हमारे पास था, एड्रेस के बाद था हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, तो यहां पे आके इसको हम यूजर नेम और ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और लास्ट अब रह गया हमारे पास पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और इसके अंदर डेटा आएगा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, पैरामीटर देख लेते हैं पासवर्ड और यूजर नेम, ठीक है, सारा हो गया। अब यहां पे हमने क्या करवाना है, कनेक्शन को ओपन करवाना है, ठीक है, कनेक्शन ओपन, ठीक है, और कनेक्शन क्लोज, ठीक है, और अब यहां पे इंसर्ट करवाना है, तो इसके लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ रो रिटर्न करेगा इंटीजर में, तो उसको हम कैच कर लेते हैं ए के वेरिएबल में, और अब यहां पे आता हूं, इस ए के ऊपर मैं कंडीशन लगाता हूं, ठीक है, और कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि ए अगर ग्रेटर है 0 से, ठीक है, तो क्या हो, अब देखो मैं यहां पे चाह रहा हूं कि जब फॉर एग्जांपल वो सक्सेसफुली कर लेना साइन अप,
तो उसके पास एक मैसेज भी आया इंसर्टेड सक्सेसफुली या साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद जो यूजर नेम है उसने, मतलब यूजर नेम जो भी दिया उसने टेक्स्ट बॉक्स में, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी उसको शो करवाए, ठीक है, पॉपअप मैसेज में अलर्ट बॉक्स में उसको शो भी करवाए कि भाई आपने ये पासवर्ड रखा है, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कहता हूं उसको, अच्छा आप देखो क्योंकि मुझे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा चाहिए ना हमारे पॉपअप मैसेज में अलर्ट बॉक्स में, तो इसका तरीका थोड़ा देखना, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ पे आता हूं, इसको कहता हूं क्लाइंट स्क्रिप्ट और फिर रजिस्टर स्टार्टअप स्क्रिप्ट, ठीक है, सही। और यहां पे हम देंगे एक मेथड टाइप ऑफ, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देंगे ये वाला पेज, मतलब इसकी टाइप क्या है, पेज जो हमारा है, सही है। और यहां पे आके मैं इसमें कहता हूं स्क्रिप्ट, ठीक है, और फिर यहां पे मेथड कौन सा है, अलर्ट, जिसमें मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहां पे मैं आके कहता हूं सबसे पहले के फॉर एग्जांपल साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है, सही है। और इसके बाद अब मैं यहां पे चाह रहा हूं कि वो भी शो हो, मतलब उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी शो, ठीक है। तो मैं यहां पे कहता हूं यूजर नेम इज, ठीक है, और यहां पे मैं आता हूं। अब देखो यहां पे लिखने का थोड़ा सा आप तरीका देखना, मैं यहां पे डबल कोट्स ऑन करता हूं और इसके अंदर दो दफा प्लस प्लस, और इसके बीच में मैं कौन सा टेक्स्ट बॉक्स दूंगा, यूजर नेम वाला, ठीक है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, सही है। तो मैसेज बॉक्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, यूजर नेम और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। और फिर यहां पे मैं आता हूं और यहां पे कहता हूं एंड और पासवर्ड, पासवर्ड भी दिखाना है ना, एंड पासवर्ड इज, और यहां पे दोबारा डबल कोट्स और इसके दरमियान में प्लस प्लस, और दूसरा हमारा था इसके अंदर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सही है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल उसका पहले मैसेज भी शो होगा, ठीक है, फिर जो भी उसने पासवर्ड रखा होगा वो भी शो होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं आता हूं एल्स का पार्ट अब देता हूं, ठीक है, एल्स के पार्ट में अब मुझे मैसेज डिस्प्ले करवाना है सिंपल, तो मैं यहां पे उसी तरह दूंगा पेज डॉट क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है, और उसके बाद मतलब अब मुझे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना है, मुझे इसके अंदर वैल्यूज ऐड नहीं करवानी, तो जो लाइन हम पहले लिखते थे अलर्ट बॉक्स के लिए वही लिखेंगे, सही है। यहां पे आके मैं इसको कहता हूं दिस डॉट गेट टाइप, ठीक है, और फिर इसी तरह यहां पे आएगा स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहां पे अब मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा। अच्छा देखो ऊपर मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन नहीं किया, सही ना, डायरेक्ट मैंने अलर्ट का मेथड यूज किया, ये थोड़ा डिफरेंस है, देख लेना इसको, ठीक है, स्क्रिप्ट और फिर यहां पे आके दोबारा स्क्रिप्ट, ठीक है, और अब यहां पे मैं कहता हूं भाई अलर्ट का मेथड, और अब मुझे इसके अंदर जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं फॉर एग्जांपल साइन अप फेल्ड, सही है, ठीक है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होगा तो उसे यूजर नेम और पासवर्ड डिस्प्ले होगा, और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो साइन अप फेल्ड का उसके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये लाइन लिख दी। अच्छा अब एक और यहां पे हम काम करते हैं, यहां पे जो रजिस्टर था ना, मतलब जब वो लॉग इन हो जाए, आप रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करवा के भी उसको कहां भेज सकते हो, फर्स्ट पेज पे भेज सकते हो, वरना हम एक काम करते हैं, यहां पे हमारा रजिस्टर वाला है ना, ठीक है, इसके नीचे मैं एक और रो ऐड करवाता हूं, ठीक है, इंसर्ट में जाता हूं और रो बिलो, सही है, और यहां पे एक लिंक मैं बना लेता हूं, ठीक है। तो इसको यहां पे आता हूं, कर्सर रखता हूं, सोर्स में जाता हूं, ठीक है, देखो यहां पे है ना, और यहां पे मैं लिंक एंकर के टैग के थ्रू एक लिंक बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं उस लिंक का नाम देता हूं गो टू लॉगिन फॉर्म, सही है, और एड्रेस मैं दे दूंगा एचआरईएफ के थ्रू, ठीक है, एचआरईएफ के थ्रू मैं यहां पे आता हूं, किस पेज पे लेके जाना है मुझे, लॉगिन वाले पेज पे, सही है, कि भाई उसने रजिस्टर कर लिया ना, वो लॉगिन पे जाए और वहां से जो उसने यूजर नेम और पासवर्ड रखा था उससे वो लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, ये काम हो गया, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहां पे आते हैं, हम एक दफा इसको रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, हमें रिजल्ट मिलता ही नहीं मिलता, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन के पेज पे जाते हैं,
अच्छा देखो, अगर लॉगिन पेज हमारा पहला पेज है ना, स्टार्टअप पेज है, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट एज स्टार्ट पेज, याद है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये, अब आप कोई भी पेज रन करो, सबसे पहले लॉगिन का पेज ही रन होगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रन करो, ठीक है। रन करने के बाद आपके पास पहले लॉगिन फॉर्म आएगा, ठीक है। अब लॉग इन फॉर्म से आप कहाँ चले जाओगे, आपके साइन अप फॉर्म पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं इसको मोहम्मद आदिल, ठीक है, और मेल, ठीक है, और ईमेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ adil123@gmail.com, और उसके बाद एड्रेस फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं हैदराबाद, यूजर नेम मैं दे देता हूँ आदिल, और पासवर्ड हम दे देते हैं adil123, क्योंकि पासवर्ड भी स्ट्रांग देना है, वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है। टैब प्रेस करता हूं और यहां पे भी कंफर्म पासवर्ड में सेव होना चाहिए। तो अब मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूं, अच्छा यहां पे हमारे पास मसला है कोई, ठीक है, इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे शायद सेमी कोलन नहीं लगाया, मैं सेमी कोलन लगाता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एक दफा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर फॉर्म में, जाते हैं साइन अप पे, ठीक है। और यहाँ पे अब दोबारा मैं लॉग इन होता हूँ, ठीक है, अली, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और अब साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ। सही, दोबारा एरर आ रहा है, एक सेकंड इसको चेक करते हैं। अच्छा देखो, मिस्टेक ये हो रही है कि हमने यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, स्क्रिप्ट नहीं है, एक तो सिर्फ स्क्रिप्ट है, ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे देखो, जहां पे हमने ये कॉन्केटिनेशन करवाई है ना पूरी, इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। देखो बूलियन एड स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है, मतलब यहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, ट्रू। इसका मतलब कि जो इससे पहले वो जो टैग्स होते हैं ना स्क्रिप्ट के, वो खुद ही यहाँ पे ऐड कर लेगा, ट्रू कर लेगा, ठीक है, वरना हमें खुद से यहाँ पे वो लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहां पे आके अब अगर मैं इसको रन करूं तो हम रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, लॉगिन फॉर्म आ गया, रजिस्टर फॉर्म में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, इसको मेल कर देते हैं, ठीक है, यूजर नेम दे देते हैं अमार, और पासवर्ड दे देते हैं amar123@, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और अब साइन अप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है मैसेज, साइन अप सक्सेसफुल और यूजर नेम इज अमार एंड पासवर्ड इज, ठीक है, सही है। अब देखो यही जो पासवर्ड है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड है, इसी से मुझे अब लॉगिन होना है, कहां पे, अपने लॉगिन फॉर्म में, ठीक है। लेकिन हमारा जो, अगर मैं अभी जाऊं, ठीक है, और अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं इसको अमार, और फिर यहाँ पे amar123@, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन करूं, तो अभी एक मसला होगा, क्योंकि हमने लॉगिन के लिए लॉगिन टेबल अलग बनाया था,
और रजिस्टर के लिए अलग बनाया था। अभी ये जो डेटा ले रहा है ये लॉग इन टेबल से ले रहा है। हमें इसको डेटा कहाँ से दिलाना है? रजिस्टर फॉर्म से, साइन अप फॉर्म से। ठीक है, तो एक चीज हम चेंज करेंगे यहाँ पे, मतलब जो लॉग इन वाला पेज था ना, इस पे आते हैं, ठीक है, और इसके व्यू कोड पे आते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ भाई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉग इन। ठीक है, हमने साइन अप वाले टेबल का क्या नाम रखा था? साइन अप। तो अब मैं कहूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम साइन अप, जहां पे यूजर नेम बराबर हो यूजर के, जो उसको कहां से मिलेगा? यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। और दूसरी कंडीशन क्या थी? एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पास, और जो उसको कहां से मिलेगा? लॉग इन में पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स से। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, ठीक है, अब उसी से लॉग इन करवाते हैं जो अभी हमने यहां पे दिया था। ठीक है, साइन अप करवाते वक्त जो हमने दिया था यूजर नेम, और वो अब मैं यहीं पे देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो अमार, और फिर अमार 123 और @, और अब लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो आप रिजल्ट देखो, देखो चला गया वो डैशबोर्ड वाले पेज पे जो हमने डैशबोर्ड का बनाया था। ठीक है, और लॉगआउट का बटन भी रखा था जिसमें सेशन डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो यहाँ पे लॉगआउट करूंगा तो अब वो कहां पे आ जाएगा? हमारे पास इस पेज पे आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप नहीं हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रजिस्टर करोगे सारा डेटा, आपके पास वो साइन अप मतलब जो अलर्ट मैसेज आएगा उसमें डेटा आएगा, फिर आप कहां चले जाओगे? लॉग इन फॉर्म में, और जो भी डेटा होगा वहां से आप इसको ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो देखो अगर मैं अभी यहां पे रन करूं, ठीक है, मैंने जो अभी अपना रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था, मैं चाह रहा हूं कि जब मैं साइन अप हो जाऊं तो जो डेटा आ रहा था कंट्रोल्स के अंदर वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, खाली हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, पहले रजिस्टर फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं फॉर एग्जांपल कोई दोबारा देता हूं यहां पे, बल्कि हमें पता है ना दोबारा देने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं डायरेक्ट एक क्लियर का मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं, ठीक है, यही जो बटन का था इसी के नीचे मैं आता हूं, एक मेथड बनाता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं क्लियर कंट्रोल्स। ठीक है, और इसके अंदर अब मेरे पास जितने वो थे कंट्रोल्स थे, फॉर एग्जांपल सबसे पहला था, उसका नाम था, कंट्रोल का नाम देख लेते हैं हम क्या था, बल्कि ये वाला काम हमें कहां करना है? रजिस्टर फॉर्म के ऊपर करना है, अभी हम लॉगिन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर का है ना इसी के नीचे, ठीक है, यहां पे आते हैं और अब सारे कंट्रोल्स को मैं यहां पे क्लियर करूंगा। ठीक है, पहला था हमारे पास फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखते जाना, एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद था लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद था जेंडर, जेंडर के लिए ड्रॉप डाउन था, बल्कि ड्रॉप डाउन हम अलग से करेंगे, यहां पे पहले टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं एक साथ रिमूव करवाना हूं। ठीक है, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स था डॉट टेक्स्ट, और फिर यहां पे उसके बाद एड्रेस के लिए था डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, ईमेल एड्रेस यूजर नेम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल टू, फिर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, और यहां पे उसका था कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। अब इन सब के अंदर मैं बराबर कर दूंगा क्या? एम्प्टी। देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी लाइन लिखने से क्या हुआ, एंड में मैंने क्या दे दिया? एम्प्टी। तो इसका मतलब ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट था, ठीक है, तो उसका नाम था ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट वन, और इसका एक मेथड होता है यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो उसके बाद इस मेथड को मुझे भी कॉल करवाना है। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं, और पहले हमें शो होगा डेटा,
ठीक है, मतलब जो भी यूजर नेम पासवर्ड है, उसके बाद हम क्या करवा लेंगे, क्लियर कंट्रोल्स का मेथड कॉल करवा लेंगे। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, लॉगिन फॉर्म में जाते हैं और यहां पे दे देते हैं पासवर्ड, दे देते हैं, कॉपी करते हैं, यहां पेस्ट करते हैं और अब साइनअप पे क्लिक करता हूं। तो देखो क्या आया, साइन अप सक्सेसफुल, यूजर नेम इज आसिफ एंड पासवर्ड इज asif1234@, और ओके करूंगा तो देखो सारे कंट्रोल्स रीसेट हो गए। ठीक है, सही है, क्लियर है यहां तक?